मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल पलवल, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन वन, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। मीन्स आपको डिजिट दी हुई है, इनसे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो ए वाला पार्ट है, इसमें हमें डिजिट दी हुई है 3781। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमने एक प्रोसीडर होता है कि मतलब कि पहले तो जो सबसे बड़ा है, फिर सब उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर सबसे लेस, मीन्स उस डिजिट को रखते हैं। जैसे कि इसमें बड़ी जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो है 8, फिर उससे स्मॉल 7, फिर उससे स्मॉल 3, फिर सबसे स्मॉल है 1। तो मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 8731। और स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर है उसका जस्ट अपोजिट कर दो, या फिर इसमें से पहले स्मॉल, फिर ग्रेट, फिर ग्रेट, फिर उसके बाद सबसे ग्रेटर, मीन्स इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1378। बी वाला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है डिजिट 8297, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 9872। और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा ये हमारा बनेगा 2789। सी वाला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 5, जो डिजिट दी हुई है 5073। तो देखो जीरो का एक कंसेप्ट होता है कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर हो तो उस जीरो को बाद में रखते हैं, बट जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो उसमें जीरो को हम पहले नहीं लिखते। यदि पहले लिखेंगे तो वो हमारा 3 डिजिट नंबर माना जाएगा, ना कि 4 डिजिट नंबर। इसलिए तो हम सबसे पहले स्मॉल नंबर मीन्स जीरो से जो बड़ा है उस नंबर को रखते हैं, फिर उसके बाद जीरो को लगाते हैं, फिर हमारा 4 डिजिट नंबर बनता है। तो इसके लिए स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 7530 और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 3057। डी वाला पार्ट है, इसमें 6287, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 8762 और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 2678। ई वाला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है डिजिट 8509, सेम प्रोसीजर वो मैंने बताया था जीरो वाला कंसेप्ट। इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 9850 और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 5089।